IVTV देखता है इंडिया। चलिए, जो आप बिहार की सियासत से जो बड़ी खबर है वो हम आपको कल रात से ही बता रहे हैं। लोजपा में बड़ा खेल हो गया है, लोजपा टूट चुकी है। अब चिराग के जगह पशुपति कुमार पारस जो है इसके मुखिया बन गए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, जब पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद चिराग पासवान उनके घर मिलने पहुंचे। हालांकि मिलने में उन्हें कई प्रकार की कठिनाई हुई, मिलने में जो है तुरंत उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मुलाकात करने के बाद जो अंदर खाने से खबर आ रही है वह यह खबर है, जो चिराग पासवान जब अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से मुलाकात किए तो वह खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर थे वो पद छोड़ने की बात कही, और अपनी माँ जो रीना पासवान है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वह सामने आ गई है, और इसमें हम कहीं ना कहीं अपने हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी है हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो आखिर इस तरह की जो चीजें बिहार की राजनीति में लगातार देखने को मिल रही है, जब कल लोजपा के पांचों सांसद चिराग पासवान को छोड़ करके एनडीए में चले, चिराग पासवान को छोड़ करके पशुपति कुमार पारस के साथ हो जाते हैं। ऐसे में सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और पशुपति कुमार पारस जो है आरोप लगाते हैं, और ऐसे में सवाल जब उठता है जो जब जाके रामविलास पासवान पशुपति कुमार पारस से मिलते हैं, अमित जी एक बड़ी खबर निकल के दिल्ली से सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है, जो चिराग पासवान जब मुलाकात करने पशुपति कुमार पारस से गए तो अब उन्होंने ये कहा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वो छोड़ देंगे, लेकिन उनकी माता रीना पासवान को जो है बनाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब क्या लग रहा है, अब राजनीति क्या हो रही है, मतलब किस तरफ जा रही है? चिराग पासवान मिलने आते हैं और अपनी माँ को लेकर के, माँ का जो नाम है वो आगे करते हैं चाचा से मिल करके, क्या कहेंगे? चिराग पासवान ने मोर्चा कार्ड खेल दिया है अंशु, जो राजनीति में कहा जाता है कि जब चीजें अपने हाथ में ना हो तब ऐसा कार्ड खेलिए जिससे आप दोषी न ठहराए जाए, जनता की नजर में आपको सिंपैथी मिले। चिराग पासवान ने जो भी कयावत की है पिछले आधे घंटे 45 मिनट में, वो इसी ओर इशारा करता है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि जनता की नजर में, जो बिहार के लोग हैं उनकी नजर में वो सहानुभूति ले सके। चिराग पासवान ने क्या किया, पार्टी में बेइज्जत होने के बाद, एक तरह से इसे कहिए बेइज्जत तो हो ही गए हैं, बेइज्जत तो हो ही गए हैं। हाँ, होने के बाद हालांकि भले ही आपने देखा होगा तमाम नेताओं ने, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, सूरजभान सिंह हो, चंदन सिंह हो, तमाम नेताओं ने ये कहा कि चिराग पासवान को हमने पार्टी से अलग नहीं किया है, बस हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज किया है, यानी पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल, चिराग पासवान ने क्या किया, उन्हें पता है कि अब पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ नहीं है, जितने भी सांसद हैं कद्दावर नेता उनके साथ नहीं है। चिराग पासवान ने क्या किया, इमोशनल कार्ड खेला, खुद गए वो पशुपति कुमार पारस के घर पे और ये दिखलाया मीडिया के सामने। देखिए, तमाम वो भी जानते थे चिराग पासवान की आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय राजनीति की यही है, वो गए जहां पर तमाम मीडिया चैनल थे, लाइव कर रहे थे, उन्होंने दिखलाया कि देखिए मैं रामविलास पासवान का बेटा कैसे आधे घंटे इंतजार कर रहा हूँ गेट के बाहर, उसके बाद उन्हें एंट्री मिलती है। और देखिए, चिराग पासवान को पता है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, अब दूर की राजनीति, इसे कहते हैं दूर की इमोशनल राजनीति। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है अगर मुझसे नाराजगी है तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन रीना पासवान जो मेरी माँ है यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, जो देखिए कहीं से संभव नहीं है। एक कार्ड खेला है, राजनीतिक कार्ड खेला है। अमित जी यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जब कहीं न कहीं जो गुस्सा सभी सांसदों का देखने को मिला और कई दफे आपने भी कई लोगों से बात की थी, सभी लोगों की नाराजगी देखने को मिलती थी, अंततः सभी लोगों ने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए उनको बंगले से बेदखल कर दिया। लेकिन ऐसे में जब रीना पासवान को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है तो क्या चाचा पशुपति पारस इस बात को मानेंगे, हम ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई भी इस बात को मानने के तैयार नहीं होगा। देखिए, तो पार्टी नेता चुन लिया गया है, तमाम जो सांसद हैं उन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला को ये पत्र सौंप दिया है कि अब हमारे संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है, यानी चिराग पासवान के हाथ से सब कुछ निकल गया था। वही मैं कह रहा हूँ कि जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, चिराग पासवान को ही पता है कि अब नए सिरे से, नए तरीके से, नए जोश से उन्हें जनता के बीच में जाना है, लेकिन कैसे, खुद को दोषी ठहराते हुए नहीं, अभी
निश्चय किया था जब तक चिराग पासवान नहीं गए थे वहाँ पे कि सब लोग ये कह रहे थे कि हमने चिराग को अलग नहीं किया है, चिराग के गलती के कारण ऐसा हुआ है, यानी दोषी जो है वो चिराग पासवान ठहराए जा रहे थे। अब चिराग पासवान ने क्या किया है, अगर इसके बाद देखिए, इसके बाद चिराग पासवान ने जैसा कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा, रीना पासवान जो मेरी माँ है, रामविलास पासवान की पत्नी है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, मैं तैयार हूँ, तो अब ऐसा कतई संभव नहीं है। अब वो जनता के बीच में ये दिखलाएंगे कि देखिए मैं तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार था, लेकिन पत्नी होने के नाते पार्टी पर पहला अधिकार जो है वो रीना पासवान का होना चाहिए था, यानी मेरी माँ का होना चाहिए था, यानी पार्टी को जबरन कब्जा किया गया है, मुझे जबरन बाहर किया गया है। तो ये जो तमाम जो भविष्य का उनका बयान है, वो जो आज का बयान है उससे आप जोड़ के देखिए। तो कहने का मतलब ये साफ है जो वो अपने अगले कदम के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता को दिखलाने के लिए देखिए कि मैं तो सब कुछ के लिए तैयार था, ना मैंने, मेरे कारण पार्टी टूटी है, ना मेरे कारण परिवार टूटा है, लेकिन यही मैसेज कि पार्टी संभालेगा कौन, पहला अधिकार किसका, तो यही कारण है कि उन्होंने रीना पासवान का नाम आगे कर दिया है मीडिया के सामने कि मेरी माँ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हूँ। तो ये जो भविष्य की इमोशनल राजनीति है जो चिराग पासवान खेलेंगे, उसके लिए आज का पूरा जो ताना बना है वो 45 मिनट और 1 घंटे में बुना गया है। अंशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जासर थे, हम इनसे बात कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है बिहार की सियासत की, वो लगातार कहीं ना कहीं आज के जो कल रात से लेकर के और अभी तक जो तमाम जो है लोजपा को लेकर के लगातार जो है खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं जब अपने हाथों से सब कुछ ऐसे जाते हुए देखते हुए जब देख रहे थे, तो ऐसे में वह मिलने गए पशुपति कुमार पारस से, उस वक्त मिलने गए जब पशुपति कुमार पारस अपने पांचों सांसद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को लेकर के वो ओम प्रकाश बिरला से भी मुलाकात कर चुके हैं और लोजपा जो है उस पर कहीं ना कहीं अपना दावा ठोक चुके हैं। और ऐसे में जो चिराग पासवान रीना पासवान को अध्यक्ष बनाने की मांग करते हैं और पशुपति कुमार पारस से मिले जाते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें साफ दिखती है जो आगे की जो उनकी राजनीति होगी, आगे जब वो जनता से कनेक्ट होंगे तो वो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को रखेंगे। तो बिहार की राजनीति में लोग कहीं ना कहीं चर्चा तो करते थे, लेकिन ऐसा सोच के नहीं रखे हुए थे जो इतने जल्दी एक बड़ा भूकंप देखने को मिलेगा। तो वो भूकंप कहीं की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत लोजपा से हुई है। और इसका जो कहीं ना कहीं जदयू के नेताओं का जो बयान आना शुरू हुआ है, जदयू के नेताओं का ये कहना है, खुद आरसीपी सिंह ने कहा है, जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। तो कहीं ना कहीं जदयू के अंदर जो है इस बात को लेकर खुशी है, क्योंकि लगातार जब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त भी लगातार नीतीश कुमार की कार्यशैली में सवाल उठाते थे और जदयू के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका बोलबाला जो है उन्होंने प्रचार किया था। तो ऐसे में जो इस वक्त की बड़ी खबर थी हम आपको बता रहे थे, बाकी ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें।